वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। केरल में कोरोना की खास मार है। केरल हाईकोर्ट में वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े बयान दिए हैं और साथ ही सरकार को भी हिदायत दी है। काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड ने ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि 93 लाख खर्च करके 5,000 कर्मचारियों को पहली खुराक लगवाई गई, लेकिन अब दूसरी खुराक के लिए दिक्कत हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहली डोज के 28 दिन बाद जो लोग सशुल्क दूसरी डोज लगवाने की इजाजत चाहते हैं, उन्हें कोविन पोर्टल पर डोज की डेट बदलने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। जस्टिस पीवी सुरेश कुमार का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार देश से बाहर जाने वालों को कम समय में कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने की सुविधा दे सकती है, तो यहां रहने वालों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सरकार का रुख आया कि वैक्सीनेशन पर नेशनल एक्सपर्ट पैनल का कहना है कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच में 84 दिन का अंतराल बेहतर है, इसलिए ये बदलाव करने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही। आरएसएस के संचालन मोहन भागवत ने अपने बयान को लेकर अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं। मुंबई में एक सामाजिक संस्था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन ने राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि नाम से कार्यक्रम आयोजित कराया, जिसमें मोहन भागवत, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन भी शामिल हुए। मोहन भागवत बोले कि जब से इस्लाम भारत में आया है तब से वो यही है। देश को आजादी मिलने के बाद भी इस्लाम यही है, इसलिए मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। वो बोले कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग रास्ते जाने को कहा था, उन्होंने इस भावना को जन्म दिया कि भारत हिंदू बहुसंख्यक देश है, इसलिए मुसलमान नहीं रह पाएंगे, लेकिन हिंदू हमेशा सभी की भलाई पर जोर देता है, इसलिए दूसरे के मत का भारत में अनादर नहीं होगा। सोनिया गांधी के पड़ोस के बंगले बारा जनपद में करीब 3 दशक से दिवंगत रामविलास पासवान का परिवार रह रहा है। ऐसे में सरकार ने जब बंगला खाली करने का नोटिस भेजा तो चिराग पासवान ने बंगले में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगवा दी और उन्होंने वहां कुछ और समय रहने की इजाजत सरकार से ले ली है। तालिबान पंजशीर युद्ध में कभी तालिबान अपनी जीत की बात कहता है तो कभी पंजशीर अपनी दृढ़ता की बात करता है। कहां किसकी जीत हो रही है और कहां किसकी हार हो रही है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। कल रात तालिबान पंजशीर पर अपनी जीत की बात कह रहा था, फिर पंजशीर से बयान आया कि हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। उसके बाद तालिबान ने दावा किया कि अमरुल्ला सालेह पंजशीर छोड़कर भाग गए हैं। अब पंजशीर से खबर आ रही है कि कुछ विमानों ने तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि पंजशीर तालिबान के कब्जे में है। कुछ अन्य लोगों का भी यही कहना है कि तालिबानी लड़ाकों ने रातों रात पंजशीर के 8 जिलों पर कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन अपना भीषण रूप ले रहा है। 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत हो रही है, जिससे हरियाणा सरकार सतर्क है और सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा क्षेत्र में धारा 144 का ऐलान भी हो चुका है। महापंचायत का मुख्य कारण है हरियाणा सरकार का विरोध। किसानों पर हुई हिंसा और सर फोड़ने वाली बात पर ये किसान मोर्चा खफा है और इसी बात पर महापंचायत हो रही है। सरकार ने 7 सितंबर की रात 12 बजे तक करनाल में इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच में ओवल खेला गया चौथा टेस्ट टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 210 रन पर ढेर हो गई। ऐसे में भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। बता दें कि 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम की यादगार जीत में उमेश यादव ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविन्द्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने सिर्फ 24 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय केरल में सबसे बुरा हाल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 38,948 नए केस सामने आए हैं और पिछले एक दिन में कोरोना के 219 मरीजों की मौत हुई है। अभी तक बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।